सुनाए। पहले इसे खत्म कर लेते हैं, फिर वो पढ़ेंगे शहजादे। मुझे अभी सुननी है। दाया खातून गुस्सा करेंगी। फिर मुझे मेरा दूध ला दे, वरना मैं नहीं सोऊंगा। आ जाए। क्या इजाजत है मुझे? हमारे सुल्तान की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है हेलेनी खातून। कैसा तोहफा? शायद आपकी मुराद पूरी हो गई। सुल्तान ने आपके लिए खादिमा का इंतजाम कर लिया है। आज के बाद वही खातून आपका ख्याल रखेगी। खातून अंदर आ जाओ। क्या सोचा है कभी कि अगर अलाउद्दीन के बजाय मेहमत की जान ली जाती तो ऐसा होने की सूरत में यह उस्मानी सल्तनत कैसी दिखाई देती? तकदीर मेरे पाशा, तकदीर। तकदीर? हाँ, अगर ये एक दिन पहले हो जाता तो मेहमत ना होता, अलाउद्दीन होता। तकदीर ने मेहमत को क्यों चुना इसहाक? वजह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस लिए। जिंदगी रही तो ये भी जान लेंगे कि क्यों और किस लिए।
शम्सुद्दीन आए हैं सुल्तान। शेख मोहतरम, आपने एक और मुश्किल बर्दाश्त की है मखमैद। मैं और ज्यादा मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब ऐसे ही होना था क्या? क्या मेरे भाई अलाउद्दीन को इस दुनिया से ऐसे ही जाना था? तकदीर। मगर कभी कभी ये सोचता हूं कि मैं मर जाता। जानदार और बाबा भी शायद यही चाहते थे। तकदीर मेरी जगह मेरे भाई को दे देती। लेकिन क्या होता अगर आपके बाबा आपके भाई को आपसे ज्यादा मोहब्बत न करते? फिर क्या होता? मुमकिन है कि फिर आप इतने रहम दिल न बनते। मुमकिन है आप फिर इतने बासलाइयत और इतने मेहनत और जुस्तजू करने वाले ना होते मजीद सीखने की खातिर। क्या होता अगर आपकी मौत की ख्वाहिश न की जाती? क्या होता अगर औरहान इस बारे में न सुनता और जानूस को न बताता? क्या होता अगर अलाउद्दीन का इंतकाल न होता? महमद, आपकी बादशाहत ऊंट को सुई के एक नाके में से गुजारने की मानिंद है।